राधा राधा काहे इतना गुरूर भरा, छोड़ो भी नखरे अब ये कैसी अता, तूने क्या सोचा एक तू ही मशहूर यहाँ, लाखों है गोपिया भी हम पे फिदा, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा डुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। किसान डरा इधर, तो देख सकते हो आप लोग मेरा कॉस्ट्यूम देख सकते हो, और किसान भाई भी पूरा कॉस्ट्यूम देख सकते हो आप लोग। तो फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं एक शादी, शादी में शादी तो शादी होता है, लेकिन जो इनवाइट किया है उस भाई को सिर्फ एक दिन ही मैंने मिला था। वो केदारनाथ से आने का टाइम में, वापस आने का टाइम में वो भाई को गुवाहाटी में ही मिला था, सिर्फ थोड़ा देर ही बात किया था। उसके बाद मतलब ऐसा हो गया कन्वर्सेशन, मतलब भैया और भाई का जैसा हो गया है वो रिलेशनशिप। तो इसलिए इतना रिक्वेस्ट करके बुलाया है, तो भाई को मिलवाएंगे। अब तक तो देखा नहीं आप लोगों ने, तो शादी है जोरहाट में, भवन में है, शादी का भवन में, तो निकलते हैं। तो दिस इज ड्वेलर करिश्मा फ्रॉम असम, द साइक्लिस्ट फ्रेंड एंड द बाइकर बॉय। गाइस तो घर से निकल आ चुका हूँ किसान भाई और मैं, तो अभी ऑन द वे टू जोरहाट। लेकिन उससे पहले मैं अभी अपने नानी का घर जा रहा हूँ, कुछ बातें करना है, वही उधर ही जाके आप लोगों को शादी का नज़ारा दिखाएंगे। तो मेरे को अभी नगा जंगा जाना है, तो मामा का घर जा रहा हूँ, मतलब नाना का घर जा रहा हूँ, यही रास्ते से जाता है, इसको कल्याणपुर बोलता है, ये कल्याणपुर है। ऑलमोस्ट पहुँच ही गया, मेरा कजिन रुका हुआ है। ओए को जाओ, को जाओ, आही से नहीं जाए। ना ना ये कुकु बोल दे के ध्यान ले का हो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो ये नानी है मेरा, आप लोग देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट वहाँ से निकल गया, थोड़ा सा काम ही था, दो तीन बात करना था, वही करके आ गया। तो अभी हम लोग मरियनी पहुँच गए, ये रहा अगरवाला के पास, अगरवाला स्कूल के पास, फिर किंग क्लब। अरे भाई ये बीच पे कहाँ रुकता है, कुछ भी यार, कुछ भी, जहाँ मर्जी हो वहीं रुक जाता है। अरे पुलिस पावर दिखा रहा है क्या? अगर ऐसा काम हम करें तो डायरेक्ट। तो गाइस मरियनी टाउन पहुंच चुके हैं, प्रॉपर मरियनी टाउन। तो पूजा का महफिल चल रहा है, आने वाले दिन में पूजा है, तो आजकल ज़्यादा ही भीड़ हो जाता है, और शाम भी मतलब जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभी अक्टूबर सीज़न चल रहा है और नवंबर आएगा और ठंड बढ़ेगा, दिसंबर तक तो पूरा ही बढ़ जाएगा। और ये देख सकते हो आप लोग मरियनी टाउन में, मतलब ये तो कम ही भीड़ है, दोपहर को ऐसा हो जाता है मतलब जा ही नहीं सकता है पूरा, क्योंकि आजकल का रीज़न मतलब ये ई रिक्शा सब इतना दिक्कत करता है। वो है ई रिक्शा, बैटरी से चलता है, लेकिन दिखाता है कि उसमें बड़ा इंजन लगा हुआ है। ई रिक्शा चलाने के लिए आप लोगों को बैटरी मतलब वो लाइसेंस भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी उन लोगों का मतलब ऐसा दिखाता है वो लोग मेन है। मतलब अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, तकलीफ़ होता है, हम राइडर्स लोग को तकलीफ़ होता है। और इमरजेंसी अगर यहाँ में पेशेंट वगैरह एम्बुलेंस वगैरह जाएगा तो कैसे होगा, इतना छोटा सा रास्ता है मरियनी का। तो आप लोग प्लीज़ यार कंट्रोल करो यार, अगर कंट्रोल नहीं करोगे ना बहुत दिक्कत होगा, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो गाइस बातें करते करते ये लाहौटी पहुंच गया, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। देखो मतलब गाइस आप लोग को पता ही है, मैं मतलब ये शादी वाड़ी में इतना इंटरेस्ट नहीं है मेरा, तो वही सोच रहा हूँ मतलब क्या दूँ, शादी में दूँ क्या, मैं वही दिमाग खटखटा रहा है। तो ऐसा मतलब आदत भी नहीं है देने के लिए, तो एक फ्रेंड को फ़ोन करके देखता हूँ, वही करना पड़ेगा रुक के। तो मैंने एक बहन को फ़ोन किया, तो फ़ोन करके पूछा क्या दो, वो बोला कि टी शर्ट ही दे दो, मतलब अभी ये रिलायंस ट्रेंड्स का ये पार्किंग स्पॉट है, तो बाइक को रखते तो ये टी शर्ट देखते, नो आइडिया। तो गाइस वेलकम बैक अगेन। तो मेरा मतलब ये हो रहा है, चॉइस नहीं हो रहा है क्या चीज़ दूँ मैंने, मतलब अभी रिलायंस ट्रेंड्स में आया हूँ, एक टी शर्ट साइज़ पूछ लिया तो भैया का, मैं सुबह बोला था दीदी के साथ, लेकिन मैं गलत फहमी था,
वो दीदी का नहीं था साली, वो उसका भैया का था। तो अभी टी शर्ट का साइज़ देख रहा है, फ़ोन करके पूछ लिया, खाली हाथ देखे तो फ़ायदा नहीं। तो ये साइज़ मिला है अभी, तुम देख सकते हो, तो इसको ही दे देते हैं, और क्या करेंगे, और तो उपाय नहीं है। कार्ड दिखने के लिए गया दुकान में, नहीं मिला। आजकल कार्ड इतना नहीं मिलता है, खुद बनवाना पड़ेगा। तो सडन प्लानिंग था, इसलिए मतलब अभी यही कर रहा है। मैटर वो नहीं करता है, मैटर वो जाके उसको मीटअप करने के लिए वही मैटर करता है। ये गिफ्ट वगैरह इतना मैटर नहीं करता है, वही अभी फिलहाल के लिए यही ले लिया है। अभी तो हो चुका है, अभी निकलते यहाँ से, कल्टी मारते, मतलब गर्मी लग रहा है, और वैसे यहाँ में गर्मी लग रहा है, बाहर में नहीं है, लेकिन मौसम पहले से ठंडा हो चुका है। तो अभी निकलते, पेमेंट करते, डायरेक्ट चलते हैं। क्या ऑफर चली आसे ने? ऑफर 3000 কইলে 2000 লিও, 3000 হলে 2000 টাকা দিলে হবো। কেদিন থাকিব তো? কেদিন থাকিব? এই কবো নে থাকি থাকি পূজা লাগে তো আছে আছে আছে। ওকে तो 3000 का आप शॉपिंग करोगे तो आप लोगों को डायरेक्ट 1000 माइनस। तो ये चल रहा है रिलायंस ट्रेंड्स अभी जोरहाट में। तो सबरे डी एस है सब, ओके पता नहीं सब जगह दे रहा है कि नहीं दे रहा है पता नहीं, लेकिन यहाँ हमें जोरहाट में मिल रहा है 3000 का मार्केट शॉपिंग, 2000 1000 डायरेक्टली माइनस। हाँ यही हो रहा है। फाइनली पहुंच गया, तो ड्राइवर को भी मिल गया, तो अभी इसको पार्किंग करते हैं। तो फाइनली पहुंच गया है। हाय की खबर? बहुत बढ़िया बढ़िया। तो यही है स्ट्रेंजर भाई, जो एक टाइम ही मिला था जब केदारनाथ से वापस आने का टाइम है। तो भाई ऑन द लास्ट डे ऑफ ट्रिप, लास्ट डे ट्रिप आसाम पहुंचने के बाद, तो भाई के साथ वो अलग ही, मतलब अलग ही टाइप का मीटिंग था। तो कैसा बॉन्डिंग बन गया आप लोग देख सकते हो। तो कंग्रेचुलेशन भाई, मुझे बहुत हेल्प किया है, देखिए कॉलेज में पढ़े थे उसके बाद बहुत सालों बाद मिले हैं ना। বাকী ভালে আছা ন? আছো আছো আছো। চেঞ্জেস মানে পুরা হেভি আর কেন কো পাইছে এরিয়া একদম ফুল। ওকে হেটু চেহারাই না তোমার কো পাইছো না এয়ার এবু নক বিশেষ ডিজ আছে। ও আচ্ছা আচ্ছা ভালে। এ কৃষ্ণ দা ভাই, ওকে নমস্কার। বলে ভিডিও লে ওকে शर्म ही लग रहा है, कितना आदमी होगा देख सकते हो आप लोग। मुझे कैसा दिख रहा है वो भी पता नहीं। डेकोरेशन लेकिन हैवी देख रखा है, वाओ ग्रेट। মই খালি ইয়াত মানে ইমান এক্টিভ নহয়, বিয়া চিয়া মই খাই ইমান ভাল নাপাওঁ মানে। তুমি জাষ্ট মাতাৰ কাৰণে আহিছো। থেংক ইউ সো মাছ। মানে ইমান ইণ্টাৰেষ্ট নাই ইয়াৰ শাদী পে, তো জাষ্ট আই আবি দেখতে। এটা নন ভেজ নে ভেজিটেৰিয়ান? ভেজ পকোড়া। ওকে डायरेक्ट
डायरेक्ट रेडीमेड गर्मा गर्म फैसिलिटी देख सकते हो आप लोग। भाई कहाँ का है ये? इधर का ही। हाँ, जोरहट का। बस थैंक यू। सब नहीं चलेगा मेरा, ये सब नॉन वेज है, तो लास्ट वाला ये तो चल जाएगा मेरा। ऑसम, वेजिटेरियन खाना होने से तो ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं? रोज़ अगर ऐसा खाना मिलेगा तो और क्या चाहिए। बढ़िया लग रहा है, तो थैंक यू सिद्धार्थ भाई ये पार्टी के लिए, जो भी हो बहुत अच्छा लगा। और डेकोरेशन हो वगैरह जितना भी मतलब आप लोग कर रहे हो या मस्त कर रहे हो, मैनेजमेंट मतलब बहुत अच्छा है। फाइनली हो चुका है मेरा खा के, मैं इतना खा नहीं सकता हूँ, मेरे ज़्यादा आइटम रहने से मेरा नहीं जाता है, और चम्मच से खा नहीं पाता हूँ, मेरे को भूख चला जाता है। लेकिन अभी मतलब क्या हुआ, मेरा खा के तो हो गया है, अभी देख सकते हो मेरा बगल में, आप लोग देख सकते हो एकदम साइज में, आप लोग देख सकते हो ये रहा टंटन है। तो किसान भाई फिर से एक प्लेट लेके आया है। क्या हुआ इतना क्यों? आज खाना खाना नहीं। तू जानबूझ के नहीं खा के आया है कि नहीं? तू वही बात है, तू जानबूझ के नहीं खा के आया है। ड्यूटी तो रहेगा ही ना, फिर भी जानबूझ के खा के नहीं आया। वही होगा है कि नहीं? गाइस दिस इज 13 इयर्स रिलेशनशिप, 13 इयर्स अभी जाके शादी किया है। आप लोग देख सकते कितना लंबा रिलेशनशिप यार, हैट्स ऑफ हैट्स ऑफ। কংগ্রেচুলেশন আকো, থ্যাংক ইউ সো মাচ, বো আহি গল, থ্যাংক ইউ, ওকে লক কম হ্যাঁ লক কম, 13 ইয়ার্স হ্যাঁ 13 ইয়ার্স রিলেশনশিপ, ও তাহলে এনে আছে তেতিয়ালে তেতিয়ালে বাকি তো বেলেগে কো কো তোমার রেসপেক্ট অলরেডি এটার মাঝত আছে হয় না? কম অন, বাই 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 ওকে গুড নাইট গুড নাইট গুড নাইট। হ্যাঁ বহুতই সহি থা রিলেশনশিপ ইয়ার, 13 ইয়ার্স ইয়ার, রেসপেক্ট ইয়ার, হ্যাটস অফ ইয়ার আলটিমেট। तो यही विश्वास होना चाहिए, फेट होना चाहिए, और रिलेशनशिप ऐसा ही होना चाहिए, और हम लोगों को कुछ सीखना है इन लोगों से, है कि नहीं? आजकल वैसा होता ही नहीं है। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।